कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार पूरे तरीके से फेल हुई है और उसी का नतीजा है कि अखबार हर दिन रंगे होते हैं और आज ही किसी ने सुबह अखबार खोला होगा और प्रतापगढ़ की जब घटना को देखा होगा तो थानागाजी की घटना से लेकर प्रतापगढ़ तक की घटना अपने आप इस बात की गवाही दे रहे हैं कि गृह मंत्री के रूप में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरे तरीके से विफल हैं। अलवर की जो घटना हुई उसमें कितने बयान बदले गए, कितनी बार सरकार ने पर्दा डालने की कोशिश की, अब पुलिस कुछ कहेगी, सरकार कुछ कहेगी, लेकिन आप पहले दिन की घटना को देखिए कि जिसमें सारे मीडिया ने जिस तरीके से मामले को एक्सपोज किया, मैं मीडिया का धन्यवाद दूंगा। ये एक जागरूक लोकतंत्र के प्रहरी के तौर पर इतनी बड़ी घटना को पहले दिन जो डॉक्टर्स की ओपिनियन थी और उनके बयान थे, उन्होंने कहा कि भगवान न करे हमें ऐसी सर्जरी करनी पड़े। यदि केवल किसी स्विगी के डिलीवरी बॉय ने हिट किया होगा तो केवल प्राइवेट पार्ट इंजर्ड क्यों हुए और केवल ये एस्टेब्लिश करने में पुलिस को 7 दिन क्यों लगे? तो कहीं न कहीं दाल में काला है। मुझे लगता है कि 3 ही प्रश्न खड़े होते हैं कि सरकार अपनी नाकामी को छुपाने का प्रयास करिए, नंबर 1। दूसरा, नंबर 2, प्रियंका गांधी उस दौरान यही थी, कदाचित उनकी फटकार भी हो सकती है कि प्रियंका गांधी को जलालत से बचाने के लिए इस तरीके की सरकार हरकत कर सकती है। नंबर 3, उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव पे इस घटना का सीधा असर होने वाला था। नंबर 4, इस घटना से राजस्थान पूरे दुनिया में शर्म